सिंघाड़ा बेच रहे हैं। तो इसी विषय पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दरभंगा ज़िले में, गोपालपुर में, रानीपुर भी कहते हैं इसको। तो इससे हम जानेंगे कि कैसे इसका उपज होता है, क्या लागत है, कितना बेनिफिट है, क्या है नहीं है, इसी विषय पे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिएगा। जी, हमारा नाम संतोष सहनी हुए है। अच्छा, क्या है मतलब इसके बारे में, थोड़ा सिंघाड़ा के बारे में बता दीजिए। सिंघाड़ा के बारे में बता रहे हैं, इसको हम सावन के महीना में रोपाई करते हैं, उसके बाद 3 महीना देख रेख करते हैं, और इसके बाद कीड़ा भी हो जाता है तो दवाई ववाई मारते रहते हैं। उसके बाद 3 महीना होने के बाद अक्टूबर में इसको निकालते हैं और बेचते हैं। क्या लागत क्या होता है इसको, इसको उपजाने में क्या कॉस्ट आता है? लागत होता है कि जैसे रोपनी, इसको रोपते हैं तो लेबर लगता है, अपने भी रहते हैं, इसको रोपाई करते हैं, उसके बाद जंगल उंगल होता तो हटाते रहते हैं 3 महीना तक, उसके बाद तैयार होता है। अच्छा, 3 महीना लग जाता है वो? हाँ। अच्छा, तो फिर आप इस पर अभी फिर निकालते हैं? हाँ, अभी निकालते हैं तो फिर भी लेबर लग रहा है, लेबर निकाल रहा है, उसके बाद ऊपर करके बेच रहे हैं। क्या विक्रय मूल्य क्या है इसका? मूल्य अभी खुदरा है 30 रुपया किलो। अच्छा, थोक है 2000 कुंटल। कच्चा हुआ ना? एक दो आइटम होता है इसमें, एक खिच्चा होता है, एक ज्वाल होता है। ज्वाल का क्या रेट है? ज्वाल का रेट है 3000-4000 का कुंटल। अच्छा, और खिच्चा वाला 2000 का कुंटल। किलो में ज्वाल वाला क्या रेट है? किलो 50। किलो मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा है? हाँ, एक्स्ट्रा है, खुदरा 20 रुपया एक्स्ट्रा है। हाँ, 10 रुपया। अच्छा, कैसे क्या केमिकल वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें, तो बता केमिकल दिखा के बता दीजिए कौन केमिकल। इसमें पाउडर है मेड ऑन, ई पाउडर है वो? हाँ, दिखाइए। हाँ, मिड ऑन। हाँ, उसके बाद ये मार्शल। अच्छा, मार्शल है ये? हाँ, ये सब पड़ता है तालाब में? हाँ। उसके बाद नया बीन है। हाँ, उसके बाद ये रिवाइन है। अच्छा, रिवाइन है। हाँ, चारों को मिला करके हम लोग छिड़काव करते हैं। अच्छा, तो छिड़काव करने के बाद? छिड़काव करने के बाद उसमें से कीड़ा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद ये सब मारते हैं, फल उल बड़ा होता है। ये सब केमिकल वगैरह मारने से क्या साइज बड़ा होता है क्या इसका, क्या है? हाँ, साइज बड़ा होता है, ये नया बीन है, ये फल को बड़ा करता है। अच्छा, ये मार्शल है, मार्शल तो, हाँ, मार्शल ये कीटनाशक कीड़ा को खत्म, कीड़ा को खत्म करेगा। हाँ, मिड ऑन है, ये हरियाली लाता है। अच्छा, हरियाली लाता है। रिवाइन है, ये पौधा को विकास करता है। अच्छा, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। अच्छा, तो क्या बेनिफिट कितना होता है? सो आप लागत तो बताइए दीजिए, कितना बेनिफिट बच कितना जाता है? देखिए, हम लोग को जैसे रोज निकाले, 4 गो लेबर है तो 4 गो लेबर के काट करके 1000-1200 रुपया, 1500-2000 तक बच जाता है, सब दिन सब रंग का, कहियो 2000, कहियो 3000, कहियो। लागत माइनस करके बोल रहे हैं, बेनिफिट बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें जो खेत कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खेत भी लेते हैं दूसरे आदमी से लीज पे, 1000 रुपये कट्ठा। आप खरीदते हैं या खुद आप? नहीं, खरीदते हैं खेत। अच्छा, खेत खरीदते हैं। ये जो आप खुद ही आपका तालाब वगैरह है ना? हाँ, तालाब अपना नहीं है, मतलब तालाब दूसरे आदमी का है, दूसरे आदमी से हम लोग लेते हैं। अच्छा, 1000 रुपये कट्ठा लेता है हम लोग से। पैकार कौन है, आप ही हैं क्या लेता है कोई? देखिए, खेत तो हमारा नहीं है, पैकार हम हैं। पैकार आप हैं? ठीक। खेत दूसरे आदमी का है, हम उससे ले करके खेती उपजाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, लिखे हुए इसके बारे में बताइए क्या कह रहे हैं? इसमें हम बोल रहे हैं कि हम लोग को ये जो निकालते हैं, ज़्यादा अगर हो जाता है 5 कुंटल 7 कुंटल, तो हम लोग को बेचने के लिए जगह नहीं मिल पाता है बाज़ार में। जी जी, तो उसके लिए हम लोग को जगह चाहिए कहीं। और ये जो दवा है तो इसका पैसा भी हम लोग को ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें भी कुछ कम होना चाहिए पैसा। सरकार से आप मांग कर? हाँ, मांग कर रहे हैं। और कोनो मांग? और क्या कहेंगे, हम लोग को यही चाहिए कि जगह मिलना चाहिए। अच्छा, इसको बेचने के लिए मार्केट बन जाए, कहीं हम लोग को स्थायी जगह मिल जाए। अच्छा, इसके बाद बताइए कि सिंघाड़ा जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करिएगा आप, क्या रोज़गार करिएगा? इसके बाद हम लोग मखाना करते हैं, मखाना की खेती। मखाना करिएगा, मखाना तो वो चलेगा। हाँ, उसके बाद मखाना के बाद यही दो को कामें करते हैं। दो एक रोज़गार है? हाँ, दो एक है, सिंघाड़ा और मखाना। और मखाना बस। अच्छा, और उसके बाद कोनो नहीं? उसके बाद कोनो नहीं। मछली उछली का पालन नहीं? वो सब नहीं करते हैं। करते हैं मखाना और सिंघाड़ा दोनों का खेती करते हैं बस। मखाना सिंघाड़ा, ये खेती ख़त्म हो गया तो दूसरा खेती चालू करते हैं मखाना का। अच्छा, मखाना ख़त्म हुआ, मखाना निकल गया तो इसको रोपाई करते हैं। अच्छा, क्या नाम बोले अपना? संतोष सहनी। अच्छा, तो अब संतोष सहनी जी को सुन रहे थे,
ये तो हमारा ये बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे व्यूज 24 न्यूज़। इतनी गहराई से हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।